नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, बात करते हैं सौगातों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 554 से ज़्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इसके साथ ही वे देश भर के 1500 से अधिक नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज व RULHS का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों की विकास योजनाएं भी शामिल है। इसी के तहत हम बात करते हैं मंदसौर जिले के अंतर्गत भेसोरा मंडी में रेलवे फाटक 64 में भी रेलवे ओवर ब्रिज की सौगात मिली। अब जल्द ही ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस दौरान हम बात करें झालावाड़ जिले की, तो पूर्व CM ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और एक दिन पूर्व जो अंगदान हुआ उसकी सराहना भी की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रामगंज मंडी झालावाड़ भोपाल रेल लाइन जल्द ही दक्षिण भारत से जुड़ेगा। तो वहीं हम बात करें भवानी मंडी के विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो कई योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। झालावाड़ पूर्व CM वसुंधरा राजे पहुंची झालावाड़, अमृत भारत स्टेशन योजना के पुनर्विकास कार्यक्रम में कर रही शिरकत। कहा, PM मोदी के नेतृत्व में देश व राजस्थान तेजी से कर रहा प्रगति, 2 वर्ष के भीतर पूरी होगी रामगंज मंडी झालावाड़ भोपाल रेल लाइन, जल्द दक्षिण भारत से सीधा जुड़ेगा झालावाड़। सांसद दुष्यंत सिंह समेत कई भाजपा नेता कार्यक्रम में मौजूद। पूर्व CM राजे ने अंगदान के क्षेत्र में झालावाड़ में अंगदान करने वाले भूरिया निरंजन कीटिया निवासी गंगधार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 30 साल पहले झालावाड़ को कोई नहीं जानता था। उन्होंने झालावाड़ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, इसको देखते हुए CHMO एवं डॉक्टर्स को बधाई दी। उन्होंने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को भी बधाई दी। PM मोदी ने आज VC के जरिए किया शिलान्यास। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट को, मैं मौका लूंगी, मेडिकल डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कल एक ऐतिहासिक काम किया है, जो मैं समझती हूं कि ये तो क्या है, जयपुर में तो हुआ करता था परंतु यहां नहीं होता था। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के नाते आप लोगों ने, और मैं उनको और उनके परिवार को जिन्होंने अपना ये ऑर्गन को डोनेट किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और पूरे डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये काम करवाया। और मेहरबानी करके प्लीज जोर से ताली बजाओ आप लोग। जयपुर के बाद आपका ये सेकंड है और कहीं नहीं हुआ है राजस्थान के अंदर, ये सेकंड जगह है झालावाड़। वो झालावाड़ जिसका 30 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कहाँ है, वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। और उसके लिए मैं भूरिया रंजन निवासी कीटिया गंगधार, उनको उनके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने ये अलाउ किया। स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जयपुर से इन सब ने कोऑर्डिनेट किया, ऑर्गन को ऑपरेशन करा के एक जोधपुर को किडनी और एक किडनी और लिवर SMS कॉलेज जयपुर, 2 रोगियों की जान बचाने का काम इन लोगों ने किया है। उसके लिए मैं सुपरिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संजय कोरवाल, CMHO डॉक्टर सादिक खान, डॉक्टर P झावर, डॉक्टर राजन नंदा, डॉक्टर राम सेवक योगी, डॉक्टर राम अवतार मालव, डॉक्टर अखिलेश मीणा, डॉक्टर विशाल नैनीवाल, डॉक्टर रक्षा कुमारी, डॉक्टर RD माथुर, प्लीज भाई साहब आप लोग इन लोगों के लिए दोनों हाथ मिला के अच्छे से ताली बजा के करो। आज राजस्थान के अंदर जयपुर के बाद हमारी सबकी नाक रखने का काम यहाँ हुआ है। आज मैंने सब लोग पहचान रहे हैं कि झालावाड़ के अंदर ये काम हो सकता है। इसका मतलब हमारे डॉक्टर्स एक्सेलेंट टीम है, एम्बुलेंस की टीम, एक पायलट रवि शर्मा, EMI राजेंद्र तिवारी, 3 घंटे और 30 मिनट के अंदर इन्होंने ऑर्गन, पुलिस वालों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, SP साहब और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और 3 घंटे और 30 मिनट के अंदर उस ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा इन ऑर्गन्स को सही जगह पे पहुंचाने का काम कर दिया। ये छोटा मोटा काम नहीं था भाइयों, प्रदेश का प्रथम ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर बना है।
और जिला प्रशासन, हमारे जिला कलेक्टर, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, उन सबको हम हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ, क्योंकि आपने पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में चार चांद लगाने का काम किया है, तो आप लोगों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप लोगों ने भी चार चांद झालावाड़ की इज्जत के अंदर लगाने का काम किया है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सबकी ओर से। इसी के चलते भवानी मंडी में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात के चलते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोड ओवर ब्रिज व अंडरपास शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम बैसोदा मंडी रेलवे फाटक के पास आयोजित हुआ, जिसमें 30 करोड़ की लागत से बनने वाले रोड और ब्रिज का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बतला दें कि बैसोदा मंडी का यह फाटक यातायात से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग राजस्थान व मध्य प्रदेश सीमा को जोड़ता है, जिसकी वजह से वाहनों की दिन भर रेलम्पेल बनी रहती है। वहीं रेलवे लाइन होने की वजह से कई मर्तबा यह फाटक बंद रहता है, जिसकी वजह से वाहनों की लाइनें लग जाती है। इस समस्याओं को देखते हुए रेलवे द्वारा रोड ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को फाटक बंद व जाम की स्थिति से निजात मिलेगी, जिसका शिलान्यास एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, मंदसौर जिला पंचायत समिति अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, बैसोदा नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री पौराणिक, मंदसौर जिला परिषद उपाध्यक्ष अनुप्रिया यादव और रेलवे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भवानी मंडी में मेला मैदान में भी भारत विकसित संकल्प यात्रा का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें कई लाभार्थियों को लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कई लाभार्थियों को आज लाभ दिया गया, जिनमें पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, तहसीलदार मोहम्मद हाफिज, सभी नगर पालिका कर्मचारी, सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत कई लाभार्थियों को मिला लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री की शिला में उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ, भारत विकसित संकल्प यात्रा में कई लाभार्थियों को मिला लाभ। यहाँ पर जो सरकार ने आप योजना चला मिली थी ना, योजना चला मिली थे, देखिए मैं 16-17 योजना थे, पर 16-17 योजना में कही थे कि आपने ज्यादा कर आपने काम करा था हाथ को, अच्छा अरे हाथ को काम करा था, तो जिसे तू कई काम करे थे वो कई खाती को काम करूं, खाती को काम करे थे, तो तू दूसरा को बड़े काम करे थे, हाँ दूसरा को बड़े काम करे, अरे तो यार एक बात, तू भी तो दुकान खोल सके थे, अब तू अरे दूसरा को काम करे थे, तू भी खोल सके दुकान, तो काई काई खाती की दुकान खोल लू, हाँ भाई खोल 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 सके थे, पर पीसा की पीसा ही कौन पीसा बना किसे खोला, हाँ भाई तो जीने वाले, अब तू गरीब आदमी चे, देख सरकार ने अपने गरीब के लिए क्या क्या सोची चे, अगर तू खाती वो काम करे चे तो 15,000 रुपया मिलेगा तने, ई मित्र बाजार है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरनी पड़ोगो, जी मैं खाते को उतारो जो भी प्रमाण पत्र हो ना, जो प्रूफ हो भाई मुझे यही काम करूँ तू, तो मतलब वो मैं चले जो ई मित्र बाजार और आपने फॉर्म भरवा लिया, फॉर्म भरवा और वो के बाद में चले जो 15,000 रुपया आपने आर्थिक सहायता मिल जाओगी सरकार की, अच्छा तो आपने वो औजार ले आऊंगा, आपने खाती का काम करा था जो औजार दूसरी बात यह मतलब अगर आप काम चालू हो तो आपने काम के ऊपर सरकार 50,000 रुपया दे 50,000 दे और फिर उन्हें वापस अपने जमा कर देगा, 15 तो यही मिलेगा अपने आर्थिक सहायता में, अच्छा और 50 जमा कर दो फिर 1,00,000 लोन ले लो, फिर आगे बढ़ाता रहो, अच्छा सरकार आपको सहायता देती रहेगी, तो आपने देख लो मन के भाव में फिर तो बढ़िया मजा आ गया, हां भाई तो खींच भाग मजा ही मजा से मजा आ गया, और बाजी तू अजी काई करे लाल जी, तू काई काम करे थे, अजी मैं दर्जी को काम करू छु, दर्जी को सिलाई को काम करते हैं, हां सिलाई को काम करू जी भाई, जो तू दो यहां कराई काम करते होगी करे करू छु बस, तो एक बात
बताओ तन बताओ तू भी ईशा नहीं काम कर तारे मतलब कैसे फार्म भरता है जो जमा जो तारे सिलाई की मशीन निशान कर ले लीजिए है ना और तारे साथ में और ने भी मतलब सका जी काय जो तन इतने जो मतलब कैसे की पर लोन मिलती रहेगी आगे साथ में इतना ना बढ़ाता रहेगा अच्छा वो काम आ जाओ को लेकर लुआना के अच्छा ने वो लुआना को काम आ जाओ वो भी ईशा नहीं मतलब उन्हें भी लीजिए लोन और हुआ चले जो मतलब ईमे तो फार भरे तो आई समझ लो ठीक जो मैं भी ध्यान रखा लेना ध्यान रखा जो ठीक जो ये चीज को आपने मतलब या आपने सरकार ने विश्वकर्मा योजना चलाई छे ये विश्वकर्मा योजना में आपने बहुत फायदा छे आप लोग ने बहुत फायदा जी भाई साथ नाए होयो कमार होयो ये आपने छाबड़ी अपना बड़ा है ना कोई तो कोई ये आपने हाथ का धंधा कर बड़ा आदमी थे ना जाके लेवे सरकार ने सोची थी अब सही करे जी भाई ध्यान रखो है ना ध्यान रखने से और थार साथ में कोई भी और भी जाता हो ना वो और भी कहीं कहीं काम कर रहे थे जहाँ लोहार को थे दर्जी को तू काम करे थे जो खमार को काम करे थे खाती को करे थे खमार के लिए भी वो कहते हैं मोटर वोटर वो चाकू आगे आ जाओ समझ गए ना तो ये आपने बड़ा पैसा कोने की वजह से आपने धंधो आगे न बढ़ा सका न बढ़ा सका ये वजह से आपने गरीब आदमी के लिए या सरकार ने आपने लिए सहायता दी है तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।